और खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा में सांप सीढ़ी का खेल जारी है। सांप सीढ़ी का खेल यहां देखने को मिल रहा है। 26 मार्च तक सदन को एमपी स्पीकर ने स्थगित कर दिया, लेकिन 31 मार्च से पहले कमलनाथ सरकार को बजट पास करना ही होगा। अगर 26 मार्च को फिर विधानसभा स्थगित होती है तो ऐसे में राज्यपाल लालजी टंडन केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जो सरकार बजट पास नहीं करवा पाई वो कैसे मध्य प्रदेश में शासन कर सकती है। आज फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। कोरोना के कारण विधानसभा को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। सदन में अगर आंकड़ों का खेल देखें तो कमलनाथ सरकार के पास संख्या बल 99 के फेर में अटक गया है। सिंधिया समर्थक 22 में से 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। बहुमत के लिए 104 का आंकड़ा चाहिए। उधर बीजेपी के पास संख्या बल है 107। ऐसे में संख्या बल में बीजेपी को बढ़त हासिल होती नजर आती है और कमलनाथ सरकार पर संकट मंडराता दिखाई देता है। बहरहाल कमलनाथ सरकार को वक्त और मिल गया है। उधर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवराज सिंह ने याचिका लगाई है तो वहीं कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो आज की जो ये तस्वीर थी इस पर सबकी निगाहें थी कि क्या आज फ्लोर टेस्ट होगा। संशय खत्म, आज नहीं हुआ फ्लोर टेस्ट। 26 तारीख को फिर से जब सदन चलेगा तो माना यह जा रहा कि उस दिन हो सकता है फ्लोर टेस्ट हो। कोरोना का असर आज सदन में देखने को मिला। आज वहां पर तमाम विधायक मास्क लगाकर पहुंचे थे, लेकिन इन सब के बीच में जो हम कह रहे थे कि लीगल जो फचड़े हैं उसमें भी फंसेगा ये केस। और बीजेपी ने रुख कर भी लिया सुप्रीम कोर्ट का, कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इन सब के बीच में क्या स्थितियां बनती है कि 31 मार्च तक अगर बजट पास नहीं होता है तो कैसे राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र को। कुल मिलाकर आंकड़े कहां से आएंगे ये भी कांग्रेस के लिए एक सवाल बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस के विधायक जब 4 दिन तक पूरे जयपुर में रहते हैं और जब रवानगी करते हैं तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और कहते हैं कि आंकड़े हमारे पास हैं। और यही सियासत की खूबसूरती है कि कॉन्फिडेंस बना रहता है, अंदर खाने बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये वक्त कांग्रेस को जो मिला है इसमें कोशिशें तमाम की जाएंगी कांग्रेस की तरफ से। तो बहुमत के लिए 104 विधायक चाहिए, कांग्रेस के पास 99 है, 99 है, बीजेपी लीड लेती हुई 107 के साथ। तो देखिए बीजेपी खेमे में कैसे खुशी है। और ये सदन के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे यहां पर तस्वीरें खिंचवाई गई। विक्ट्री का साइन बीजेपी की तरफ से दिखाया गया और बीजेपी ये मान के चल रही कि सरकार उनकी बनेगी ही बनेगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारी दिल्ली से सहयोगी ब्यूरो चीफ अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, आज फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन क्या वाकई में ये जो वक्त मिल रहा है जिसको खींचने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है उसमें कुछ निकल पाएगा, कुछ मिल पाएगा, क्योंकि आंकड़ों से तो बहुत दूर है। अगर आपने बिल्कुल पहले कहा गवर्नर ने चिट्ठी पढ़ी होती तो उसकी सीरियस है किस तरीके से और किस कदर गवर्नर ने कहा था कि जो कुछ होगा वो सुलभ होगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है क्योंकि 26 साल स्थगित हो गई है तो विधानसभा स्थगित होने के बाद बीजेपी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। आप एक बार बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 12-13 दिनों से जो सियासी घटनाक्रम के बाद सोमवार को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पहले ही दिन हंगामा हुआ और इसके बीच चलते कार्रवाई पहली बार लगभग 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। लगभग 5 मिनट के बाद कार्रवाई फिर से शुरू होने पर अध्यक्ष ने बोलना प्रारंभ किया, वहीं बीजेपी सदस्य भी एक साथ बोलने लगे। नेता प्रतिपक्ष जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान, अन्य भाजपा नेता थे, राजनीतिक स्थितियों पर ही बोल रहे थे। उधर जो सत्तारूढ़ दल था वो सदस्य एक भी वो भी साथ बोलने लगे। तो इस शोरगुल के बीच अध्यक्ष प्रजापति ने देश में कोरोना का प्रकोप का जिक्र किया और साथ ही सदन की कार्रवाई 26 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ये एक छोटी सबसी साजिश थी। और आपको ये भी बता दें प्लान तरीके से था क्योंकि जिस तरीके से लगातार कल देर रात तक दिन तक सुबह तक भी कमलनाथ का जो कॉन्फिडेंस बताया जा रहा था कि किस तरीके से, तो बार बार ये बात कही जा रही थी कि सबसे पहला विकल्प है वो यही विकल्प है कि आप क्या
करेगी मध्य प्रदेश सरकार, तो उसमें क्योंकि प्रोरोगेटिव अध्यक्ष का होता है तो अध्यक्ष उस बात को आगे बढ़ा सकती है। अब आपको बता दें कि राज्यपाल ने सभी सदस्यों को उनके दायित्व कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कहा, लेकिन गैरतलब है कि बहुत बहुत शुक्रिया आदिति तमाम चीज़ों को समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या बचता है ऑप्शन, अब आगे की तस्वीर क्या हो सकती है इस पर हम बात कर रहे हैं। और हमारी ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी जुड़ गए हैं कि वो लगातार कांग्रेस के विधायकों को कवर कर रहे थे जब यहाँ पर वो कांग्रेस के विधायक थे, हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए उनको यहाँ पर रखा गया था। योगेश जी अभी ज़रा ये बताइए कि अभी हॉर्स ट्रेडिंग के सिवाय क्या कोई वाकई में ऑप्शन है कांग्रेस के पास? वही सवाल जो मैंने अदिति से पूछा था, आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है? कोर्ट में जब मामला जा रहा तो क्या ये पेच और फंसेगा और खींचेगा और ये शायद कांग्रेस चाहती है? देखिए कोर्ट के पास भी कोई ज्यादा लाभ होता मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि स्पीकर ने रास्ता अपनाया कोरोना का। कोरोना एक इमरजेंसी पूरे दुनिया के अंदर एक महामारी के तौर पर फैली हुई है और इस आधार पर देश के अन्य राज्यों में विधानसभाएं स्थगित हुई है, बहुत कुछ हुआ है, तो उसी का सहारा लेते हुए यहाँ पर एक वेट की स्थिति कमलनाथ सरकार को मिली है। लेकिन दूसरी और यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि संकट कला नहीं है, संकट बरकरार है और 30 मार्च से पहले, जैसे मैंने पहले कहा था कि बजट पास करना जरूरी होता है, वो बजट पास करना पड़ेगा कमलनाथ की सरकार को 26 को। फिर इन्होंने विधानसभा को बुलाया है और 26 को हो सकता है कि फिर विधानसभा कुछ दिनों में और स्थगित कर दी जाए। और इस जो समय जो मिला है कमलनाथ सरकार को, इस समय के अंदर कमलनाथ सरकार या कमलनाथ दिग्विजय सिंह की कोशिश होगी कि कम से कम 4 से 5, क्योंकि 4 का ही फिगर चाहिए, 4 विधायकों का संख्या बल आते ही मेजोरिटी का जो लेवल है वो उनके कंफर्टेबल स्थिति में कमलनाथ आ जाते हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं है। जो 16 जो है, 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद 22 में से 6 के बाद 16 जो सिंधिया समर्थक हैं, उन 16 में से कितनों को टच कर पाएगी? एक और बात जो यहाँ पर दिग्विजय और कमलनाथ कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी में सेंध लगाने की कोशिश, 3-4 वोटों का इधर उधर हो जाए तो राज्यसभा चुनाव तो खैर अलग प्रक्रिया, आप सरकार बचाने वाला खेलो, राज्यसभा में भी सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं उनको साबित करना पड़ेगा कि हम सिंधिया के साथ हैं। लेकिन वो टेक्निकली वो रॉन्ग इसलिए होंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी कर रखा है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर, तो अगर वो व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी टेक्निकली अपने आप सदस्यता रद्द हो जाती है। हालांकि सिंधिया की दावेदारी पे या सिंधिया के निरीक्षण पर संकट नहीं आएगा, लेकिन जो सदस्यता को लेकर जो फिगर है, आंकड़ों का जो खेल है, उसमें यहाँ पर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी भी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी भी जा रही है, फ्लोर टेस्ट की मांग लगातार यहाँ कर रही है। आपने देखा होगा आज बीजेपी ने सदन आहूत करवाया, विधानसभा बुलाई, स्पीकर ने गवर्नर ने विधानसभा बुलाई, राज्यपाल अभिभाषण 1.5 मिनट चला। अब राज्यपाल उससे अधिक कुछ कर नहीं सकते थे, जब स्पीकर विधानसभा चलती है। और ये कमलनाथ को फायदा इस बात का हुआ कि अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, चलिए यानी कि अभी अभी आगे पिक्चर पूरी बाकी है, अभी तस्वीर कुछ कहा नहीं आ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमसे जुड़ने के लिए।